अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स डी स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान मूवमेंट पार्ट सिक्स तो जैसा कि आपके में है कि हमने गुजतर कुछ रोज़ से पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर जो है एक लेक्चरस का सिलसिला शुरू किया है और उसके हर एपिसोड के अंदर जो है हम बीस एम सी क्यूज शामिल करते हैं और ये तरतीब से जो है हमारा सिलसिला चल रखा है यानी हमने इसको अठारह सौ सतावन से शुरू किया था और फिर इससे पहले पाँच जो एपिसोड हैं वो आप तक पहुँच चुके हैं और उन एपिसोड के अंदर जो है हमने अठारह से लेकर 1940 तक का जो दौर है उसके हवाले से जो है अहम एम सी क्यूज़ को जो है उन वीडियोस के अंदर शामिल किया है आज के इस वीडियो के अंदर जो है हमने जिस दौर का इंतखब किया है वो है पाकिस्तान मूवमेंट फ्राम नाइनटीन फोटी टू 45 फाइव तो आज के इस वीडियो के अंदर जो है हमने उन्नीस सौ चालीस से लेकर उन्नीस सौ पैंतालीस के दौरान जो है जो अहम वाक़त रूनमा हुए और उन्हीं वाक्यात को बुनियाद बनाकर जो है उसमें से एम सी क्यूज़ को जो है शामिल किया गया है तो उम्मीद है आज इस के इस लेक्चर के बाद आपको उन्नीस सौ चालीस से लेकर उन्नीस सौ पैंतालीस तक जो है पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए जो कोशिशें की गई जो जद जोहद की गई और जो अमली इकदाम किए गए उसके बाद उसको समझने के लिए है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मदद मिलेगी और ए, आपको पाकिस्तान मूवमेंट को या बरसग़ी की जो तारीख़ है या यूनाइटेड इंडिया जो है उसको भी समझने में जो है वो काफ़ी हद हाँ तक जो है मदद मिलेगी तो आइए इस वीडियो को बयादा तौर पर जो है हम शुरू करते हैं इस दौर में जो अहम वाक्यात रूनमा हुए यानी उन्नीस से लेकर उन्नीस तक उसमें से जो अहम वाकियात हैं वह हैं करारदाद लाहौर जिसको करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है और वो 1940 में मंजूर हुई थी इस तरह फिर जो है दूसरा अहम वाक़ जो है वो क्रिप्स मिशन है जो 1942 को जो है सर स्टीफर क्रिप्स जो है उसकी सरप्रस्ती में जो है वो हिंदुस्तान आया था फिर जो है वो काल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक यहाँ पर एक तहरीक चलाई गई जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं यानी हिंदुस्तान छोड़ दो तो तहरीक तो उसके हवाले से भी इसमें एम सी शामिल किए गए हैं कि ये तहरीक क्या थी और इसके जवाब में जो है आल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसने क्या पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो पेश किया था इस तरह जो है इसी दौर के अंदर जो है लियाकत डिसाई महिदा भी हुआ और फिर वेबल जो है वो लार्ड वेवल हिंदुस्तान के वाइस बनकर आए और उन्होंने भी जो है हिंदुस्तान के मिसाइल को हल करने की कोशिश की और उसमें उनका अहम रोल जो था वो उसमें है कि वेवल पेशकश जो है वो इसमें शामिल है और फिर लास्ट में जो है शिमला कॉन्फ्रेंस जो उन्नीस सौ पैंतालीस में मनक़द हुई थी उसके वाले से भी कुछ अहम एम सी को जो हम शामिल किए गए हैं तो आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पोलिटिकल साइंस विद नवास वडैच उम्मीद है आपको हमारी ये काबश पसंद आएगी और हम इस बात का इंतज़ार करते हैं कि आपकी तरफ से जो फीडबैक आएगा वो हमारे लिए जो कि बड़ा हौसला फ़ज़ा होता है अगर उसमें कोई गलती कुत हुई हो तो आप उसकी नशानदी किया करें और अगर आप समझते हैं कि ये चैनल जो है इससे आपको सब्जेक्ट्स को समझने में या दीगर मामला को जानने में रहनमई मिल रही है तो फिर आपका आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए बड़े हौसला अफजा होते हैं और हमें पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने का जो है मौका मिलता है तो आप देखिएगा पोलिटिकल साइंस विद नवास वडैच तो यहाँ से हम इसका कदा तौर तो पर आगाज़ करते हैं हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है उन्नीस और 1937 के इंतबात में पंजाब की कौन सी सियासी जमत बरसर इकतदार आई थी तो मुतहदा हिंदुस्तान के अंदर जो है उन्नीस सौ छत्तीस और सैंतीस में जो सूबाई इंतबात हुए थे तो उन इंतबा के अंदर जो है सूबा पंजाब में कौन सी सियासी जमात जो है उसने अक्सरीत हासिल की और सूबा पंजाब के अंदर जो है उसने अपनी सूबाई हुकूमत जो थी या सूबाई वजारत जो थी वो कैम की थी तो आइए इसका दुरुस्त जवाब जानने की कोशिश करते हैं इसका दुरुस्त जवाब है यूनिस्ट पार्टी तो 1936 और 37 के इंतबा में जो यूनियनस्ट पार्टी है उसने अक्सरीत हासिल की और वो अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब होगी लेकिन डी स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ बात ये है कि इस वक्त जो है ये जो दौर था 1936 और 37 का दौर जो था इस वक्त जो आर इंडिया मुस्लिम लीग थी उसको आवाम के अंदर जो है कोई ख़ास मकबूलियत हासिल नहीं थी इसलिए जो है आर इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक खास की जमात है तो ए, उस दौर में जो है ये वाक़ ही खास की ज़माती थी खास लोगों तक ये महदूद थी लेकिन इन इंतबात के बाद जो है आल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसने अपना जो काम करने का कर जो तरीक़ार है उसमें अंदर बड़ी जो है इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा कं और एक ऐसी मुहिम जो है शुरू की आवाम के साथ बराह जो है वो रबता कैम किया और इसका जो है आल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो बहुत मुखिर अरसे में जो है फिर एक अवमी सियासी जमात बनी और उसने एक बहुत बड़ी कामयाबी बाद में हासिल की ये वहीं यूनिस्ट पार्टी है जिसने उन्नीस सौ छत्तीस और सैंतीस में तो अपनी हुकूमत कैम कर ली थी लेकिन जब उन्नीस सौ छियालीस में इंतबात हुए तो उसे सिर्फ दस इन पर कामयाबी हासिल हुई अब उन्नीस सौ छियालीस के इतख में जो है जो आल इंडिया मुस्लिम लीग है उसने अवाम के अंदर जो है अपनी जड़ें बड़ी मज़बूत कर ली थी अवाम के साथ अपना तलक़ बड़ा मजबूत कर लिया था और इतनी कामयाबी के साथ उसने मुहिम चलाई कि वो एक मकबूल तरीन जो है वो हिंदुस्तान की सियासी जमात बन गई थी यही वजह है कि यूनियनिस्ट पार्टी जो है वो सियासत से जो है वो उसको नाकामी का सामना करना पड़ा था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर टू है जी तो क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है उन्नीस में हिंदुस्तान की कन्फड्रेसी के नाम से तकसीमी हिंद का एक खाका शाया हुआ मुसन्फ़ ने अपना असली नाम लिखने की बजाय कौन सा कलमी नाम इस्तेमाल किया था क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स ये है कि उन्नीस के अंदर जो है किसी शख्स ने जो है किसी सियासतदान ने किसी सियासी रहनुमा ने जो है वो हिंदुस्तान की तकसीम का एक खाक पेश किया था या एक मनसूबा पेश किया था और उसका उसने नाम रखा था हिंदुस्तान की कन्फड्रेसी आपने और उसने अपना अपना असल नाम जो है उसके नीचे नहीं लिखा था मजमून के साथ आप देखते हैं किमूम जो है वो लाजमी तौर पर बल्कि मजमून जो लिखता है उसका नाम जो है शाया होता है तो उसने अपने नाम की बजाय वहाँ पर अपना कलमी नाम लिखा था तो आपने बताना यह है अब दो चीज़ों को हम जाने के कि एक तो उनका कलमी नाम किस नाम से वो आर्टिकल जो है वो खाका शाया हुआ था और फिर उनका असल नाम भी जो है वो क्या है तो आइए इसका जो दुरुस्त जवाब है वो जानने की कोशिश करते हैं मुसनफ़ ने अपना कलमी नाम एक पंजाबी के नाम से जो है पेश किया था जो मुसनफ था उसने मजमून लिखा जो खाका पेश किया हिंदुस्तान की कन्फेड्रेसी के नाम से और अपना असल नाम लिखने की बजाय वहाँ पे अपना कलमी नाम लिखा एक पंजाबी लेकिन असल में वो शख्स कौन था ये स्कीम जो है वो सुबह पंजाब की जो सूबाई मुस्लिम लीग थी उसके जो सदर थे नवाब मोहम्मद शाह नवाज़ खान आफ ममद ने जो है तैयार की थी और मेचर कफैतुल्ला जो थे उन्होंने जो है इसमें उनके साथ तावन किया था तो आप यूँ समझ सकते हैं कि इन दोनों शख्सियात ने जो है ये खाका जो था तैयार किया था इसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान को तकसीम किया जाए डी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये यह बात भी आपके लिए ज़रूरी है कि अगरचे हिंदुस्तान की तकसीम का आल इंडिया मुस्लिम लीग ने बकायदा तौर पे और पूरी ताकत के साथ जो है पूरी तैयारी के साथ जो मुतालबा था वो 23 मार्च 1940 को किया था लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आल इंडिया मुस्लिम लीग के अलावा जो है या इससे पहले जो है हिंदुस्तान की तकसीम के हवाले से किसी ने कभी कोई बात नहीं कही थी तो बहुत सारे सियासतदान हैं बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स थे बहुत सारे ऐसी शख्सियात थी जो सोचती थी कि हिंदुस्तान के मसले का जो हल है वो ये है कि हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया जाए और यही उस मसले का वाहद हल है लेकिन उन उन सब लोगों ने जो है उन सब शख्सियात ने जो है वो इनफरादी तौर पर बात की थी लेकिन वो किसी बड़े सियासी प्लेटफॉर्म से बात नहीं हुई थी किसी बड़े सियासी प्लेटफॉर्म से जो बात हुई और पूरी ताकत और तैयारी के साथ बात हुई थी फिर वो तेईस मार्च 1940 को लाहौर में जो है आल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने सताईसवें सालाना जलास के अंदर जो है मुताबा किया था और फिर उसको अमली शक्ल देने के लिए अपनी भरपूर कोशिशें की और उन्नीस में जो है फिर हिंदुस्तान तकसीम हुआ था तो इस वीडियो के अंदर जो है हमने कुछ ऐसे रेफरेंस शामिल किए हैं के अंदर जो है हिंदुस्तान की तकसीम के लिए मुख्त शख्सियात ने जो है वो बात की थी तो यहाँ यहाँ जो क्वेश्चन हमारे पास है कि तकसीम हिंद का एक खाका अलीगढ़ के प्रोफेसरों की स्कीम के नाम से मशहूर हुआ इन प्रोफ़ेसर के नाम बताइएगा तो उन प्रोफ़ेसर के आपने नाम बताने हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की तकसीम का खाका पेश किया था और उसमें हैं प्रोफ़ेसर सैयद ज़फ़रुल हसन और दूसरे प्रोफेसर हैं पहले प्रोफ़ेसर हैं प्रोफेसर सैयद ज़फ़रलह हसन और दूसरे प्रोफेसर साहब का नाम है डॉक्टर मोहम्मद अफजल हुसैन तो ये दो अहम शख्सियात हैं जिन्होंने अलीगढ़ के प्रोफेसरों की स्कीम के नाम से जो है हिंदुस्तान की तकसीम का एक खाका पेश किया था एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर उन्नीस में चौधरी रहमत अली ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत के लिए कौन सा नाम तजवीज़ किया था तो एक खाका जो है हिंदुस्तान की तकसीम के हवाले से चौधरी रहम तरी ने भी पेश किया था 1933 के अंदर जो है और जब उनका रसाला पंफर छाया हुआ था नो आर नेवर तो उस वक्त जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा किया था और फिर उन्होंने उस रियासत का नाम भी तजवीज़ किया था यानी उन्होंने बकैदा तौर पर उसका होमवर्क किया था और उन्होंने उसका नाम भी तजवीज़ किया था आपने बताना यह है कि चौधरी रहमत अली ने मुस्लिम अक्सीती इलाकों पर मुश्तमल जो एक रियासत कैम्प करने का उन्होंने मुतालबा किया उसके लिए उन्होंने कौन सा नाम तजवीज़ किया था तो ये आपने बताना है कि उसके लिए उन्होंने कौन सा नाम तजवीज़ किया था तो इसका दुष्ट जवाब है पाकिस्तान लफ्स पाकिस्तान जो है ये चौधरी रहमत री ने तख्ली किया है और उन्होंने जो है मुतालबा किया था कि इन इलाकों पर मुश्तम जो है एक अलग रियासत कैम्प की जाए जो कि मुस्लिम अकसीती इलाके हैं और उस रियासत का नाम जो है पाकिस्तान जो है उन्होंने मुतालबा किया कि उसका नाम पाकिस्तान जो है रखा जाए आइए देखते हैं कि लफ्स पाकिस्तान जो है चौधरी रहमत अली ने किस तरह जो है तख्लीक किया था तो चौधरी रहमत अली ने जो मुतालबा किया था कि इन इलाकों पर मुश्तम जो है एक अलग इस्लामी रियासत का क्या अमल में लाया जाए और उन इलाकों के नाम उन्होंने पेश किए और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस इस रियासत का जो नाम है वो पाकिस्तान होगा तो डी स्टूडेंट्स यहां जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का जो लफ्स है वो किस तरह जो है वो तख्लीक किया था तो पी जो है उन्होंने उन्होंने जिन इलाकों की निशानदेही की तो उसमें था पंजाब पंजाब का इलाका शामिल था अफगानिया जिसको हम खैबर पख्तूनखा कहते हैं नेक्स्ट है कश्मीर और उसके बाद है सिंध और उसके बाद है बलूचिस्तान तो इन पांच इलाकों पर मुश्तम जो है उन्होंने एक अलग इस्लामी रियासत के क़्याम का मतालबा किया और उसके लिए जो है उन्होंने कहा कि इसका नाम जो है पाकिस्तान जो है वो होना चाहिए अब जो पाकिस्तान का जो पी है उन्हें दिया पंजाब से यानी इन्हीं इलाकों में से हरूफ जो है वो इकट्ठे किए और उन हरूफ को मिलाकर जो है एक बामैनी और खूबसूरत नाम जो है उन रियासत के लिए तजवीज़ किया तो पी जो है वो पंजाब से लिया और उसके बाद है ए, ए जो है उन्होंने अफ़ग़ानिया से लिया तो डी स्टूडेंट्स अफग़ानिया जो है ये बेसिकली जो सूबा सरहद है या सूबा खैबर पखतूनख्वाज है ये उस वक्त जो है अफग़ानिया की अतलाह जो है सूबे के लिए इस्तेमाल की जाती थी तो उसको जो है वो अफग़ानिया का नाम उन्होंने दिया था और ए जो है वो अफ़गानिया से लिया था नैक्स्ट है कश्मीर तो के जो है पाकिस्तान के लफ्स के अंदर जो के शामिल है तो के जो का जो वर्ड है वह उन्होंने लिया कश्मीर से केफार कश्मीर और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट है आई तो आई के बारे में जो है दो रह दी जाती हैं एक तो ये है कि बस लोग ये कहते हैं कि ये एज ए वावल इस्तेमाल हुआ है ठीक है जब आप उर्दू में लिखते हैं उर्दू में अगर आप पाकिस्तान लिखेंगे तो उसमें आएगा उर्दू में आप ऐसे लिखेंगे इसको और ठीक है जी तो उर्दू में जब आप इसको ए, इसकी लफास को जोड़ते हैं तो उसमें पे है पे फार पंजाब और ए अल्फ है अल्फ़ार अफ़ग़ानिया और उसके बाद आ जाता है के के फ़ार कश्मीर और के के बाद फिर एस आ जाता है काफ के बाद क्या है सीन है और सीन जो है वो सिन से है और ये आई जो है ये जब इंग्लिश में इसको लिखा जाता है तो फिर जो है आई इस्तेमाल होता है जब उर्दू में लिखा जाएगा तो फिर उसमें जो है वो इस्तेमाल नहीं होता अब इस वाले से दो बातें कही जाती हैं एक तो ये है कि बास जो पोलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनका कहना ये है या हिस्टोरियन है वो कहते हैं कि आई जो है वो एज ए वावल इस्तेमाल हुआ है यानी किसी इलाके की यह नुमाइंदगी नहीं कर रहा लेकिन ये बात भी कही जाती है कि आई जो है डेट्स फॉर इस्लाम अब चूँकि ये सारे मुस्लिम अक्सरती इलाके थे और इनका जो मुशतरक मज़हब था वो दीन इस्लाम था और उसी बुनियाद के ऊपर जो है ये अलग अलग रियासत का मतालबा किया गया था तो फिर उन्होंने आई जो है वो लिया इस्लाम से यानी इस्लाम दीन जो है दीन इस्लाम जो है वो इन तमाम को आपस में जोड़ रखा है तो इसलिए जो है उनने आई जो है वह इस्लाम से लिया और नेक्स्ट है अब दोबारा इसको देखिएगा हम जल्दी से कर लेते हैं पी फार पंजाब ए फार अफ़गानिया के फार कश्मीर और आई फार इस्लाम उसके बाद है एस तो जो एस का जो है वो है सिंध एस फार सिंध और नेक्स्ट है तीन हरूफ कटे हैं टी ए एन टी ए एन तो वो है बलूचिस्तान के बलूचिस्तान के जो आखिरी तीन हरूफ हैं वो उन्होंने लिए और वो तीन हरूफ लेकर जो है उनने ये एक बामी और खूबसूरत लफ्ज़ जो है वो तख्ली किया जो कि पाकिस्तान बना तो इस है उन जो है उन्होंने उन इलाकों से मुख्तलिफ हरूफ लेकर जो है मुख्तल लेकर जो है नया लफ्स तख्लीक किया पाकिस्तान और उन्होंने कहा कि इस इन इलाकों पर मुश्तम जो रियासत कैम होगी उसका नाम होगा पाकिस्तान और ये चौधरी रहमत अली ने जो है अपने रसाला नो अरवर के अंदर जो है ये स्कीम जो है पेश की थी उम्मीद है आपको इस पाकिस्तान लफ्स की रिजन जो है वो समझ आ गई होगी तो इस जो है आप देखें कि जो कश्मीर का जो इशू है तो ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई हम को जबरदस्ती कर रहे हैं तो जो पाकिस्तान का जो आइडिया पेश किया और जो पाकिस्तान का जो नाम है इस रियासत का जो नाम है तो कश्मीर उसका हिस्सा है कश्मीर क्या है उसका हिस्सा है उसके बग़ैर जो है ये तो नामुकम्मल रहता है लफ्ज़ जो है नामुकम्मल रहता है तो इसलिए जो है कश्मीर का पाकिस्तान के साथ इलाहा होना पाकिस्तान के साथ शामिल होना इंतहा ज़रूरी है वो पाकिस्तान का हिस्सा है वो पाकिस्तान के वजूद का हिस्सा है और पाकिस्तान की वो शहर है और इसलिए पाकिस्तान कभी भी जो है उससे किसी भी सूरत में जो है ना तो कम्प्रोमाइज़ कर सकता है ना उसे दस्तबरदार हो सकता है तो उसके लिए हमारी जो कोशिश है जद्दुहद है पाकिस्तान रियासत की इनशाला जो है वो एक ना एक दिन जो है जरूर कामयाब होगी और पूरा कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा तो नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं नेक्स्ट है, है, लंदन मेंजमदी का, का एक मजमून शाया हुआ था जिसमें उन्होंने बरतानवी जमहूरी निजाम को हिंदुस्तान के लिए नाकाबले अमल करार दे दिया था तो आपने बताना यह है कि यह मजमून कब शाया हुआ था ठीक है उसके अंदर उन्होंने वाज किया कि जो बरतानवी तर्ज का जो मगरबी जमहूरी निज़ाम है वो हिंदुस्तान के हालात से मुताबकत नहीं रखता हिंदुस्तान के मखसूस हालात हैं यहाँ जो है यहां वो फ़िरका वाराना अख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे ना तो वो तलीम है ना वो शौर है ना वो यकसानीत पाई जाती है तो शदीद फिर वाराना अख्तलाफात का शिकार जो माशरा है वहाँ पर बरतानवी तर्ज का जो जमहूरी नज़ाम है वो कामयाब नहीं हो सकता तो आपने बताना है कि ये मजमून उनका कब जो है वो शाया हुआ था तो इसका जो दुरुस्त जवाब है उनका यह मजमून राम एंड टाइट के अंदर जो है उन्नीस जनवरी 1940 को शाया हुआ था 19 जनवरी 1940 को जो है उनका यह मजमून जो था वो टाइम एंड टाइट जो बरतानिया का एक मशहूर मैगज़ीन था उसमें ये पब्लिश हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स तेईस मार्च 1940 को एक अलग रियासत के क्याम के लिए आल इंडिया मुस्लिम लीग की कमेटी ने जो करारदादादा तैयार की थी उस उसे किस शख्सियत ने पेश किया था यानी जिसको हम करारदाद लाहौर कहते हैं तो ये करारदाद लाहौर जो है ये आल इंडिया मुस्लिम लीग की कमेटी ने तैयार की थी लेकिन आपने बताना ये है कि उस पंडाल के अंदर जो है जब ये जलसा हो रहा था आल इंडिया मुस्लिम लीग का जो इजलास हो रहा था तो उस इजलास के अंदर जो है कि शख्सियत ने यह करारदा जो थी वो पेश की थी तो आइए इसका दुरुस्त जवाब जानने की कोशिश करते हैं ये करारदादा जो आल इंडिया मुस्लिम लीग की कमेटी ने तैयार की थी इसे शेर बंगाल मौलवी हक जो थे उन्होंने पेश किया था मौलवी फजल जो थे उन्होंने करारदाद लाहौर जो थी वो पेश की थी फिर जिसकी तईत जो है ए, उस जलसा गाह के अंदर शामिल जितने भी सियासी कैदीन थे अवाम थे सब ने जो है इसकी तैद की और करारदाद लाहौर जो है उसको मंजूर किया जिसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान को तकसीम किया जाए और मुस्लिम अकसरती इलाकों पर मुश्तम एक अलग रियासत का क्याम जो है वो अमल में लाया जाए और फिर इसी अंदर जो है आल इंडिया मुस्लिम लीग ने यह वाज कर दिया था क्या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो हिंदुस्तान की तकसीम के अलावा कोई और जो है वो स्कीम मंजूर नहीं करेगी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन करारदाद लाहौर के मतन में लफ् पाकिस्तान कितनी बार इस्तेमाल हुआ था यानी जो वो जो रेजोल्यूशन पास हुई थी करारदाद लाहौर जिसको कहते हैं उस करारदाद के मतन के अंदर जो है लफ्स पाकिस्तान जो है कितनी बार इस्तेमाल हुआ था तो ये आपने बताना है आइए इसका दुरुस्त जवाब जानने की को कोशिश करते हैं इसका दुरुस्त जवाब है किारदाद लाहौर के मतन में जो है लफ्स पाकिस्तान एक बार भी इस्तेमाल नहीं हुआ था उसमें स्टेट्स का लफ्स इस्तेमाल हुआ था लेकिन उसमें कहीं भी जो है लफ्स पाकिस्तान का इस्तेमाल नहीं किया गया था हुआ क्या कि जब क्रारदा मंजूर होगी अगले दिन अखबार जो अंदर रिपोर्टिंग हुई तो जो हिंदू अखबार थे उन्होंने तनसिया तौर पर ही कहा कि कल मुसलमान जो है इस तरह सुना है कि लाहौर में इकट्ठे हुए थे और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर की है और फिर वो जो है वो उनका जो तनज है वो हकीकत में जो है वो तब्दील हो गया तो एक्चुअली तो वो करारदाद लाहौर थी जो बाद में करारदाद पाकिस्तान में जो है वो तब्दील हो गई और फिर वो हकीकत में भी जो है वो तब्दील हुई ए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट सर स्टीफर्ड करीब्स हिंदुस्तान पहुंचा था क्रिप्स मिशन जो है ए, उसके वाले से बात है उसका सरबरा था सर स्टीफर्ड क्रिप्स तो आपने बताना ये है कि सर स्टीफर्ड क्रिप्स जो है वो हिंदुस्तान जो है वो कब पहुंचा था आइए इसका दुरुस्त जवाब जानने की कोशिश करते हैं इसका दुरुस्त जवाब है तेईस मार्च उन्नीस को सर स्टीफर्ड क्रिप्स जो है वो क्रिप्स मिशन लेकर जो है वो तेईस मार्च उन्नीस को जो है वो हिंदुस्तान जो है वो पहुँचा था नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन है वो भी क्रिप्स मिशन के वाले से है क्रिप्स तजावीज़ कब पेश की गई थी तेईस मार्च उन्नीस को वो हिंदुस्तान में पहुँचा फिर उसने कुछ तजावीज़ पेश की जिसको क्रिप्स तजावीज़ कहते हैं तो वो क्रिप्स तजावीज़ जो हैं वो कब पेश की थी तो वो उसने तीस मार्च 1942 को पेश की थी 23 मार्च को वो पहुंचा था और 30 मार्च को जो है उसने क्रिप्स तजावीज़ हैं या क्रिप्स प्रपोजल जो हैं वो पेश की थी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्रिप्स तजावीज़ की मंजूरी के लिए कौन सी शर्त रखी गई थी क्रिप्स तजावीज़ तो काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन उसमें एंड के ऊपर जो है एक कंडीशन रखी गई थी आपने बताना है कि वो कौन सी शर्त रखी गई थी आइए इसका दुरुस्त जवाब जानने की कोशिश करते हैं इसका दुरुस्त जवाब है कि इन तजावीज़ में कोई तरमीम नहीं की जाएगी यानी जो क्रिप्स तजावीज थी उसमें कहा गया था कि ये तजावीज़ इनमें कोई रद्द वदल नहीं किया जाएगा यानी इसमें ये नहीं होगा कि कोई पार्टी ये कहती है कि हमें ये शर्त मंजूर नहीं है तो इसको तब्दील कर दिया जाए जो तजावीज़ पेश कर दी गई हैं उन्हीं उन्हें उन्हीं को, को मंजूर करना है उसमें किसी किस्म का ए, कोई अमेंडमेंट जो है वो उसमें नहीं लाई जाएगी दूसरी दूसरी बात इसमें कही गई कि इन तजावीज़ को या तो मुकम्मल तौर पर मंजूर किया जाएगा या तो मुकम्मल तौर पर उनको मंजूर किया जाएगा या मुकम्मल तौर पर उनको मस्रद कर दिया जाएगा कोई सियासी जमात यह नहीं कह सकती थी कि हमें ये दस शरात हैं तो दस में से पाँच मंजूर हैं तो पाँच मंजूर नहीं हैं या इसमें यह रद्दबद्र कर दिया जाए तो यह था कि जो तजावीज पेश कर दी गई हैं उसमें कोई लचक नहीं दिखाई जाएगी या तो एक सियासी जमात उसको मुकम्मल तौर पर मंजूर करेगी या मुकम्मल तौर पर उनको मुस्रद कर देगी तो इसका जो है एक सख्त रवैया जो था वो इसके अंदर जो है वो अख्तियार किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास से इस वक्त है अलेवन और क्वेश्चन नंबर अलेवन है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक जो है वो कब जो है वो मंजूर की गई थी मंजूर की थी तो वो था बेसिकली ये है क्विट इंडिया मूवमेंट तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो आल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने उसके लिए कब करारदा जो थी वो मंजूर की थी तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है आठ अगस्त 1942 को आठ अगस्त 1942 को जो है आल नेशनल कांग्रेस ने जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट की जो है वो फ़ैसला किया था कि अंग्रेज़ों से ये मुतालबा किया था कि वो फौरी तौर पे जो है वो हिंदुस्तान से क्विट कर जाएँ हिंदुस्तान से निकल जाएँ दरअसल उस वक्त जो है बरतानिया जो है वो जंगीम के अंदर जो है वो बहुत मसरूफ़ था और यूँ कह लें कि जंग अजीम के अंदर वो फंसा हुआ था तो जो आल इंडिया नेशनल कांग्रेस है वो ये सोच रही थी कि अब चूँकि अंग्रेज़ जो हैं बरतानिया जो है वो जंगजीम की वजह से जो है वो मुश्किल का शिकार है अब इसके ऊपर अगर दबाव बढ़ाया जाएगा तो ये हिंदुस्तान से हिंद छोड़ जाएंगे और इकदार जो है वो जाते हुए वो आल इंडिया नेशनल कांग्रेस की जोली में बतौर तोहफा जो है वो डाल जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ ऐसा हो नहीं सकता था तो जब आल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि क्विट इंडिया हिंदुस्तान छोड़ दो तो उसके जवाब में जो है कैद अज महमदी जिना रहमत ल और आल इंडिया मुस्लिम लीग ने मुतालबा किया कि फर्स्ट डिवाइड एंड देन क्विट कि पहले हिंदुस्तान को तकसीम करो और फिर हिंदुस्तान को छोड़ के जाओ तुम तो हिंदुस्तान को तकसीम किए बगैर जो है अब हिंदुस्तान को जो है अंग्रेज हिंदुओं के हवाले या आल इंडिया नेशनल कांग्रेस के हवाले करके नहीं जा सकते थे क्योंकि आल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो माजी के जो तर्क तजरबा थे उनसे उसने ये सबक सीखा था कि इसके ऊपर जो है आल इंडिया नेशनल कांग्रेस के ऊपर जो है वो इतमाद नहीं किया जा सकता ये भरोसा नहीं किया जा सकता और अगर उनको इकदार मिल गया तो ये मुसलमानों को जो है यहाँ पर जीना जो है वो दूबर कर देंगे जैसा कि आजकल जो है इंडिया के अंदर आप देख रखे हैं कि जो हिंदुस्तान के अंदर जो तंग नजर वहाँ की जो पोलिटिकल लीडरशिप है उसने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जो है वहां पर जीना जो है वो दूबर कर दिया है लेकिन ये बहराल उनको समझना चाहिए कि जब कोई जो है वो ताकत के जोर पर जो है अकलीत को जो है दबाने की कोशिश करती है तो उसका जो रद्द होता है वो बड़ा खौफनाक होता है वह रद्दमल जो है वो वहीं रद्दमल होगा जो कि इससे पहले जो है उन्नीस सौ सैंतालीस में हमारे सामने आया कि जब अक्सरियत ने अकलीत को का इस्तार करने की कोशिश की उसके हकूक़ को जब्त करने की कोशिश की उसके मफादात को दबाने की कोशिश की उनको सियासी और समाजी और माशी तौर पर जो है उनको उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की गई तो फिर जो है अकली जो है उसने अपना नया रास्ता तलाश कर लिया था और फिर जुदोजुद और कोशिश के बाद जो है उसमें कामयाब भी हुई थी तो दुनिया की कहीं भी जो है कोई भी अक्सरीत जो है वह ताकत के ज़ोर पर जो पे है वह अकलीत को नहीं दबा सकती अक्सरीत जो होती है उसको चाहिए कि वो फ्राग दिली का मजहरा करे वो ब्रॉड माइंडेड जो है वो हो वो ओपन हार्टिड हो वो लिबरल हो उसकी सोच और फिक्र जो है वह वसी हो ताकि वह अकलीतों को जो है वो अपने साथ जो है मोहब्बत और चाहत के साथ रखें ताकि एक मुतमिन जो है ज़िंदगी बसर कर सकें तो अगर आप उनको जहाँ वो उनके राइट्स नहीं दे रहे तो फिर आप उनसे ये तो नहीं रख सकते कि वो आपके साथ चलेंगे बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है आल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से शुरू करदा हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के जवाब में आल इंडिया मुस्लिम लीग ने क्या जवाब दिया था यानी जब आल इंडिया नेशनल कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की तो उसके जवाब में आल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसने क्या रद्द ज़हर किया था ये जवाब है इसका जवाब मैं आपको बता चुका हूँ आल इंडिया मुस्लिम लीग ने कहा कि फ़र्स्ट डिवाइड एंड देन क्विट आल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसका ये मुतालबा था कि फ़र्स्ट डिवाइड एंड देन क्विट कि पहले तकसीम करो और फिर हिंदुस्तान छोड़ के जाओ क्योंकि मुसलमान ये जानते थे कि अगर इकदार हिंदुओं के हवाले कर दिया गया और हिंदुस्तान को तकसीम ना किया गया तो ये जैसा माजी के अंदर हमारे साथ इंतहाई जालमाना रवैया अख्तियार किए हुए हैं तो इससे क्या होगा इससे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए और ज़्यादा मसायल पैदा होंगे तो लिहाजा जो है आल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसने कांग्रेस की इस तजवीज़ से और उसके प्रपोजल से जो है उतफा करने से बड़ा खुला और वाज तौर पर इनकार कर दिया और कहा कि हंदुस्तान को तकसीम किए बगैर जो है अंग्रेज़ों को यहाँ से नहीं निकलना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद किसने रखी आ, आल इंडिया मुस्लिम लीग जो है उसने अपनी तहरीक को जो है आम लोगों तक पहुंचाने के लिए स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए जो है एक मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन कैम्प की मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के तरफ से कैम्प की आपने बताना यह है कि इसके बानी कौन थे तो ये इसका दुष् जो आप जानने की कोशिश करते हैं इसके बानी थे राजा साहब आफ़ महमूदा तो राजा साहब आफ़ महमूदा जो हैं वो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की जो है वो बानी है नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से मुतलक है कि मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की बुनियाद कब रखी गई मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की जो बुनियाद है वो 1937 में रखी गई है इसका दुरुस्त जवाब है 1937 मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का जो क्याम है वो 1937 को जो है वो अमल में आया था 1936 और 1937 के इंतबात के बाद जो है मुस्लिम लीग है वो हर महाज के ऊपर जो है बड़ी जो है वो एक्टिव हो गई थी बड़ी उसने जो है वो काम करना शुरू कर दिया था और अवाम के साथ रवाबत बढ़ाना शुरू कर दिए थे यही वजह है कि 1940 तक आप देखें कि उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया और फिर अवाम की भरपूर हमायत हासिल कर ली और उसके नतीजे में जो है हिंदुस्तान को तकसीम करने में कामयाब हो गई थी तो ये भी उसी सिलसिले की कड़ी थी जो उसने अवामी मुहिम का आगाज़ किया तो उन्होंने ये सोचा कि स्टूडेंट्स तक भी अपना पैगाम पहुंचाना चाहिए जो कॉलेज़ के स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो उन तक भी अपना पैगाम पहुंचाया और उसमें वो बड़ी हद तक कामयाब हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कैद अजम्दी जना रतल्ला का दस्ते रास्त किसे कहा जाता था यानी कौन सी सियासी शख्सियत हैं जिनको कैद अजम हमदी जनाह जो हैं अपना दस्त रास्त कहते थे तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो हैं खान। है लियात अली ख़ान कैद आजम अहमद अली जनाह जो हैं लिया़त अली खान को जो है वो अपना दस्त रास्त कहते थे और लिया़त अली खान जो हैं वो उन्नीस सौ बाईस में जो है आल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे तो क़ैदम अहमद अली जनाह के बहुत करीबी और काबिल अहतमाद जो दोस्त थे उनमें उनका शुमार होता था और कैद अज़म जो हैं उनको अपना दस्त रास्त जो है वो कहा करते थे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है शिमला कॉन्फ्रेंस कब मनकद हुई शिमला कॉन्फ्रेंस जो है कब मनद हुई आइए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में मुनदद हुई थी शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में मुनकद हुई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो है लॉर्ड वेबल हिंदुस्तान का वाइस रैक कब बना लॉर्ड वेवल जो है कब हिंदुस्तान का वाइस रैक बन के आया तो इसका दूसरा जवाब है उन्नीस उन्नीस के आगाज में जो है लार्ड वेबल जो है वो हिंदुस्तान का वाइस जो है वो बन के पहुंचा था ए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18 शिमला कॉन्फ्रेंस में शरीक मुसलमान रहनुमाओं के नाम बताएं तो जो शिमला कॉन्फ्रेंस मुनकद हुई थी उसमें कौन कौन से जो मुस्लिम रहनुमा थे वो शामिल हुए थे तो शिमला कॉन्फ्रेंस जो है जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि 25 जुलाई पच्चीस सॉरी पच्चीस जून जो है पच्चीस जून उन्नीस को जो है पच्चीस जून उन्नीस पैंतालीस को जो है ये शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी और शिमला के मुकाम पर हुई थी इसीलिए इसको शिमला कॉन्फ्रेंस कहा जाता है तो पच्चीस जून उन्नीस सौ पैंतालीस को जो है मुनकद हुई आपने बताना यह है कि इसमें मुस्लिम शख्सियात में कौन से लोग जो थे वो शामिल हुए थे जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी तो इसका जो दुरुस्त जवाब है उसमें कैद अजम महमदरी जनाह सर फरिस्त हैं उसके बाद अली खान हैं ख्वाजा नाजमुद्दीन सर ग़ुलाम हुसैन हदायतुल्ल सर मोहम्मद सादुल्ला और हुसैन अमाम तो ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने आल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से जो है वो शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है शिरकत की थी कैद अजम महमद्ली जना जो हैं उनका जो वो उनका जो उस वक्त स्टेटस था वो था कि वो आल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर थे तो उन्होंने बतौरे सदर जो है आरडिया मुसलम लीग शमूलियत अख्तियार की थी जहाँ तक लियातली खान का तल्लग है तो लियातली खान जो हैं उस वक़्त आबयू इसम्बली के डिप्टी लीडर थे जो है वो आरडिया मुसलम लीग के और नेक्स्ट नाम जो है ख्वाजा नाजमुद्दीन और ख्वाजा नाजमुद्दीन जो हैं वो सुबह इनका तल्ल जो है वो सुबह बंगाल के साथ था और ये माजी में जो है ये सुबह बंगाल के वज़र अल जो हैं वो रह चुके थे और सर ग़ुलाम हुसैन हदायतुल्लह जो हैं इनका जो तलक है वो सुबह सिंध के साथ था और ये सुबह सिंध के वजी अल थे और नेक्स्ट जो नाम है वो है सर मोहम्मद साधुल्ला सर मोहम्मद साधुल्ला जो थे ये असम जो असम का जो इलाका था उसके जो है ये उसके वजीर अल थे और हुसैन इमाम जो हैं वो जो हैं वो मुस्लिम लीग के एक अहम लीडर के तौर पे जो है एक अहम तरीन लीडर में जो है उनका शुमार होता था तो मुस्लिम लीग के की जो कौंसिल ऑफ स्टेट थी उसके वो मेंबर भी थे तो इसलिए इनतई अहम शख्सियात जो थी उन्हें आल इंडिया मुस्लिम लीग से शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत की थी लेकिन इन शख्सियात के अलावा जो है ये जो हमारे पास शख्सियात हैं जिसमें कैद हैं हैंत अली खान ख्वाजा नाजमुद्दीन गुलाम हुसैन हदायतुल्लह सर मोहम्मद सादुल्ला और हुसैन इमाम के अलावा भी तीन ऐसी शख्सियात थी जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई थी तो उसको हम जानने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है शिमला कॉन्फ्रेंस में शरीक तीन ऐसे मुसलमान रहनुओं के नाम बताएं जो नज़रिया पाकिस्तान के हामी नहीं थे यानी छः शख्सियात तो ये हैं जिन्होंने आल इंडिया ये जो आल इंडिया मुस्लिम लीग की जो शख्सियात थी छः इन शख्सियात ने शिमला कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इन छः के अलावा जो है तीन और शख़्सियात थी जिन्होंने शिमला कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी वो मुसलमान थी लेकिन वो मुसलमान थी जो एक तो वो दो कौमी नज़रिया के ऊपर यकीन नहीं रखते थे वो आल इंडिया मुस्लिम लीग के भी ख़िलाफ़ थे और वो हिंदुस्तान की तकसीम के भी खिलाफ थी और वो पाकिस्तान के क्याम के भी ख़िलाफ़ थी तो आपने उन तीन शख्सियात का नाम बताना है जिन्होंने मुसलमान होते हुए और दो कौमी नज़रिया के ख़िलाफ़ होते हुए और क्याम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होते हुए भी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है शिरकत की थी तो आइए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं उसमें तीन शख्सियात जो शामिल थी उसमें सर फिर नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद मौलाना अबुल कलाम आजाद जो एक मुसलमान शख्सियत थी लेकिन वो आल इंडिया नेशनल कांग्रेस के उस वक़्त सदर थे आल इंडिया नेशनल कांग्रेस में शामिल थे हिंदू सियासी जमात में शामिल थे तो इस तरह जो है उन्होंने जो है वो कांग्रेस की तरफ से जो है इस शिमला कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी तो ए... मौलाना कलाम आजाद ये दो कौमी नज़रिया के खिलाफ थे और क्या में पाकिस्तान के भी सख्त ख़िलाफ़ थे आल इंडिया मुस्लिम लीग के भी सख्त खिलाफ थे तो इस जो जो है उन्होंने जो है वो आल इंडिया नेशनल कांग्रेस के प्लेटफार्म से इसमें शिरकत की थी तो पहला नाम हुआ मौलाना कलाम आजाद जो कि उस वक़्त आल इंडिया नेशनल कांग्रेस के प्रेजिडेंट थे दूसरा नाम जो है वह है मलक खजर हयात खान टवाना मलक हज़र हयात टवाना जो है वो उस वक्त पंजाब के वज़ी अल थे मलक हिज़र हयात टवाना भी आल इंडिया मुस्लिम लीग के सखिलाफ थे ये यूनस्ट पार्टी के सरबरा थे और यूनिस्ट पार्टी की तरफ से ज़हर में शिरकत की थी और फिर ये पाकिस्तान के क्याम के भी ख़िलाफ़ थे ये दो कौमी नज़रिया को भी एक्सेप्ट नहीं करते थे तो इस तरह जो है इन्होंने जो है वो यूनस्ट पार्टी के प्लेटफार्म से इसमें शिरकत की थी तीसरा नाम है डॉक्टर खान साहब का डॉक्टर खान साहब जो हैं वो उस वक्त जो है सुबह सरहद के जो है वो वजे अल थे और इन्होंने भी जो है वो वहाँ पर शिरकत की थी तो इस तरह है ये तीनों शख्सियात हैं जिन्होंने जो है वो इसके बावजूद के वो टू नेशन थेरी के हवाले से उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था बहुत मुख्तफ था और वो हिंदुस्तान की तकसीम के हवाले से भी जो है वो जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो उन्होंने जो है वो मुख्तु प्लेटफार्म से जो है वो इसमें शिरकत जो थी वह की थी डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे इस वीडियो का इस्तेमाल होता है आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पोलिटिकल साइंस विद नवास वडैच उम्मीद है आपको 1940 से लेकर 1945 तक के जो वाक्यात हैं उनको समझने में जो है इस वीडियो से ज़रूर जो है वो मोहबरत मिली होगी इस वीडियो के बारे में आपकी राय जो है ए, वो, उसके लिए हम मुंतजर रहेंगे उम्मीद है आप अपनी कीमती राह का ज़रूर इजहार करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो है ए, इसके बाद हम यहाँ जो कि बड़े तेज़ी के साथ वाक्यत रूनुमा हो रहे थे और नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो हुई सिर्फ उसमें हम एक इवेंट को डिस्कस करेंगे वो है उन्नीस सौ पैंतालीस और छियालीस के इंतबात तो उन्नीस सौ पैंतालीस और छियालीस के इंतबात पे बात होगी और नेक्स्ट दो वीडियो के अंदर जो है हम उन्नीस तक पहुंच जाएंगे एक के अंदर उन्नीस और छियालीस के इतखबा के ऊपर बात होगी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर दो वाक़ात होंगे एक कैबिनेट मिशन होगा और दूसरा जो है वो जो कानून जदादी हिंद है थर्ड जून प्लान जो है उसके ऊपर वीडियो तैयार होगी और इसका जो है हम ने जो सिलसिला शुरू किया था अठारह से लेकर वो हम लम्हा लम्हा जो है छोटे छोटे क्लिप्स के अंदर जो है उसको जो है वो उन्नीस सौ सैंतालीस तक लेकर जो है कामयाब होंगे तो इजाज़त दीजिएगा अल्लाह हाफिज़